फ्रेंड्स, आज हम पत्ता गोभी की बहुत ही डिलीशियस और नए तरीके से ये सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे तो हम पत्ता गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी आलू के साथ मिक्स करके, लेकिन आज हम बिना आलू के ये बिना कम तेल में और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पत्ता गोभी की ज़रूरत होगी। हमने एक मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी ली है, जिसे हमने ऊपर के पत्तियों को निकाल लिया है। मैं 6 से 7 पत्तियां ले रही हूं, क्योंकि मैं 3 से 4 मेंबर्स के लिए इसको बना रही हूं। आप उसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा पत्तियां ले सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। अब हर पत्ती के बीच में एक डंठल होता है, हम उसे कट करके निकाल देंगे ट्राइंगल शेप में। मोटा सा डंठल होता है, इसी को निकालना है। जहाँ तक मोटा है उसे ही निकालें बस, और एक एक करके सभी पत्तियों का ये डंठल निकाल देंगे और साइड में रखते चले जाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद ही हमें कट करना है। अब एक बाउल में हम 2 चम्मच दही लेंगे और 2 चम्मच के अराउंड हम इसमें मटर लेंगे, ये बॉइल्ड मटर है, और 1 छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर यानी कि 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1 पिंच हींग और 1 पिंच हम काली मिर्च ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। अच्छे से मिक्स करके इसे एक तरफ रख दें। अब एक बाउल और लेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच हम बेसन लेंगे और दही वाला 2 चम्मच दही वाला पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पतला हम इस पेस्ट को नहीं रखना है, गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है। और इस पेस्ट बनाने के बाद जो हमने पत्तियाँ कट करके रखी हैं निकाल के, उनके ऊपर एक साइड फैला लेंगे, इसे अच्छे से फैलाना है। और फिर साइडों से चारों तरफ से एक स्क्वायर शेप में इसको मोड़ लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारी पत्तियों पर इस पेस्ट को फैलाकर उन्हें अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये काफ़ी इजीली चिपक जाता है, क्योंकि बेसन का यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, खुलता भी नहीं है इजीली। थोड़ा सा पेस्ट बन गया है तो हम इसे ग्रेवी में ऐड करेंगे। अब एक जार लेंगे, उसमें 2 हरी मिर्च, 6 से 7 हम गार्लिक क्लोव्स लेंगे, 1 बड़ी ऑनियन लेंगे यानी कि प्याज, और उसे काट कर डाल लेंगे। थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे एक महीन पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसे अच्छे से हीट करेंगे, गरम करेंगे, और उसमें 1 चम्मच के अराउंड हम तेल डालेंगे, सौंफ डालेंगे 1 चम्मच, थोड़े से हम इसमें कसूरी मेथी, 1 तेज़पत्ता और जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है उसे भी इसी में ऐड कर लेंगे। हल्का सा चलाएंगे, थोड़ा सा इसे भून लेंगे 2-3 सेकंड के लिए। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, नमक हमने पहले भी ऐड किया है तो संभल कर ऐड कीजिएगा। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें जो हमारा दही वाला पेस्ट हमने तैयार किया था उसको भी ऐड कर लेंगे, और जो हमने बेसन का पेस्ट बचा हुआ था उसे भी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2-3 चम्मच के अराउंड, इसे अच्छे से भून लेंगे और एक चलनी से इसको कवर करेंगे। उसके ऊपर हम पार्सल जो हमने तैयार किए हैं पत्ता गोभी के, उनको रख देंगे। अब हमें ये भी हमें पकाने हैं और हमें कम ऑयल में ही इनको पकाना है, तो ये बहुत जल्दी इस तरीके से दोनों चीज़ें एक साथ कुक हो जाती हैं, टाइम भी बचता है हमारा और जल्दी से हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है। ये देखिए, हाँ 3 से 4 मिनट में ही हमारी ये अच्छे से कुक हो चुकी है। इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे, एक साइड रख देंगे इनको। अब ये चलनी भी हटा लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी कितने अच्छे से कुक हो चुका है, उसने घी छोड़ दिया। अब इसमें 1 कप पानी डालकर उबाल लेंगे और उसके बाद
जो हमारे पार्सल हैं उन्हें भी हम ऐड कर लेंगे इसी में। 3 मिनट के लिए इन्हें फिर कुक करेंगे। 3 मिनट बाद ये देखिए हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। कितना अच्छे से पार्सल हमारे बिल्कुल भी नहीं खुले हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत स्वाद लगते हैं। चाहे तो आप इन्हें चावलों से खाएं या रोटी से खाएं, ये बहुत ही यम्मी लगती है सब्ज़ी। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किसी भी सर्विंग डिश में या बाउल में जिसमें आप सर्व करना चाहते हैं इसे सर्व करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।